हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम रिकार्डन की रेंट थ्योरी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिकार्डो, डेविड रिकार्डो जो ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपनी बुक, ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1817 में पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने रेंट के बारे में अपने विचार दिए हैं, जिसको हम रेंट थ्योरी कहते हैं, ठीक है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत कहते हैं। और जब उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, सिद्धांत दिया था, तो उस समय यूरोप में क्या हुआ था, नेपोलियन युद्ध चल रहा था, ठीक है। 1805 से 15 का जो टाइम पीरियड है, उसमें नेपोलियन युद्ध चल रहा था, और उस कारण से क्या हुआ था, जो अनाज थे उनकी प्राइजेस क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। जो फूड ग्रेन्स थी उनकी प्राइजेस बहुत इंक्रीज हो गई थी। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने अपने रेंट थ्योरी दी है। रिकार्डो ने सबसे पहले नहीं दिया, ठीक है। रिकार्डो की जो थ्योरी, उसको हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, क्लासिकल थ्योरी कह सकते हैं, ठीक है। रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है, वो प्रतिष्ठित सिद्धांत कहा जा सकता है, ठीक है। और रिकार्डो से पहले जो प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे, फिजियोक्रेट्स, इकोनॉमिस्ट जो थे, उन्होंने लगान के बारे में, रेंट के बारे में अपने व्यूज दिए थे। और उन्होंने क्या बताया कि लगान क्यों मिलता है, क्योंकि जो प्रकृति है उसमें एक उदारता का गुण होता है, ठीक है। बाउंटी, उदारता मतलब प्रकृति क्या होती है, एक तरह से उदारता का गुण होता है, बाउंटी, ये गुण पाया जाता है। और इस कारण से क्या होता है, जो भूमि का मालिक है उसको रेंट मिलता है, लगान मिलता है, ठीक है। और रिकार्डो ने जब अपने थ्योरी दी थी, तो उस समय यूरोप में जो नेपोलियन युद्ध चल रहा था, तो उससे क्या हुआ था, जो फूड ग्रेन्स है उनकी प्राइजेस बढ़ गई थी, और फूड ग्रेन की प्राइजेस बढ़ गई, साथ साथ में जो भूमि के मालिक थे उनको रेंट बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा था। इसलिए समाज में एक तरह से उस समय ये लोगों में एक भावना हो गई थी कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो एक तरह से क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। उस समय की हम अगर बात करते हैं, ठीक है, जब 1805 से 1815 की अवधि में, उसके बाद में जो फूड ग्रेन्स थे उनकी प्राइजेस बढ़ गई थी, जिनके पास में भूमि थी उनका जो प्रॉफिट था, ठीक है, लाभ था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उन परिस्थितियों के आधार पर उसमें लोग ये सोचते थे कि जिनके पास में भूमि है वो बहुत ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, रिकार्डो की जो थ्योरी है वो क्या कहती है, रिकार्डो का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ अर्थ विच इज पेड टू लैंडलॉर्ड फॉर यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इंडस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सॉइल, ठीक है। रिकार्डो क्या कहता है कि लगान जो है, रेंट है, वो किसको मिलता है, लैंडलॉर्ड को मिलता है, जो भूमि का मालिक है उसको मिलता है। और क्यों मिलता है, क्योंकि वो क्या करता है, भूमि में ऐसी कुछ शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, ओरिजिनल और इंडस्ट्रक्टिबल पावर होता है, ठीक है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, ऐसा पावर होता है, किसमें होता है, भूमि में होता है, ठीक है। और इसी कारण से क्या होता है, भूमि का जो मालिक है उसको रेंट मिलता है। अब कैसे मिलता है, उसके बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। वो पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में किन किन मान्यताओं को लिया है, जिनको हम क्या कहते हैं, एजम्पशंस, ठीक है। उसने क्या क्या मान लिया है, तो सबसे पहले उसने क्या मान लिया, द सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड और लिमिटेड, ठीक है। जो भूमि है, लैंड है, ठीक है, उसकी सप्लाई क्या होती है, स्थिर होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, लिमिटेड होती हैं, स्कार्सिटी। दूसरा है कि फर्टिलिटी ऑफ लैंड आर गिफ्टेड बाय गॉड, ठीक है। भूमि में जो फर्टिलिटी का गुण होता है, जो उपजाऊपन का गुण होता है, वो हमको प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, गॉड गिफ्ट कहता है एक तरह से इसको। फिर लैंड इज नॉन पेरिशेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो भूमि है वो उत्पादन का एक तरह से कभी भी समाप्त होने वाला साधन नहीं है, ठीक है, पेरिशेबल फैक्टर है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, नॉन पेरिशेबल फैक्टर है। फिर लैंड हैज ओनली वन यूज, कल्टीवेशन और फार्मिंग, ठीक है। उसने क्या बताया कि जो भूमि है, लैंड है, उसका केवल एक ही काम में यूज होता है, खेती करने के लिए, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए, फार्मिंग, खेती करने के लिए उसका यूज होता है, उसके अलावा कोई उसका यूज नहीं है। फिर डिफरेंट लैंड्स हैव डिफरेंट फर्टिलिटी लेवल्स, ठीक है, अलग अलग भूमियाँ जो होती हैं, सभी में जो उपजाऊपन है, ठीक है, फर्टिलिटी है, वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन इज डन बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो रिकार्डो, वो क्या मानता है कि जो
भूमियां हैं, जो लैंड है, ठीक है, उनका जो यूज़ होता है खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए, वो कैसे होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। मतलब जो अच्छी ज़्यादा फर्टिलिटी वाली भूमि है, जो ज़्यादा उपजाऊ भूमि है, उसका पहले यूज़ होगा। फिर उसके बाद में जो कम उपजाऊ भूमि है, ठीक है, जिसकी फर्टिलिटी कम है, फिर उसका यूज़ होगा। फिर उसके बाद में जो उससे और कम फर्टिलिटी वाली है, जो कम उपजाऊ है, उसका यूज़ होता है, ठीक है, इसको क्या कहता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर नेक्स्ट उसकी जो एजम्पशन है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। वो क्या मानता है कि जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो लागू होता है। मतलब उत्पादन जो है, प्रोडक्शन है, वो एक पॉइंट के बाद में डिक्रीज होने लग जाता है, और जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या होती है, हमेशा बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है ओरिजिनल एंड इंडेस्ट्रिक्टिबल पावर ऑफ द सोइल, ठीक है, जो भूमि है उसमें मौलिक और अविनाशी शक्तियाँ होती हैं जो कभी नष्ट नहीं होती हैं। फिर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, इसमें क्या मान लिया गया है कि जो बाजार है वहाँ पर एक तरह से क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के जो भी फीचर्स हैं वो यहाँ पे लागू होते हैं। फिर मार्जिनल लैंड, नो लैंड रेंट, मतलब जो मार्जिनल लैंड होती हैं, ठीक है, जो सबसे कम उपजाऊ होती हैं, जिसकी फर्टिलिटी सबसे कम होती है, उसको वो क्या कहता है, मार्जिनल लैंड, और वहाँ पर किसी तरीके का कोई रेंट नहीं होता है, नहीं मिलता है, ठीक है। और ये जो हमारी थ्योरी है वो कब लागू होती है, लॉन्ग रन में, दीर्घ काल में जो ये सिद्धांत है वो क्रियाशील होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये तो इसकी थी एजम्पशंस। अब देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, रिकार्डो की जो थ्योरी है वो क्या कहती है, रिकार्डो का जो सिद्धांत है, थ्योरी, वो क्या कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, जब इकोनॉमी में क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती जाती है, ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ में लोग क्या करते हैं, अपनी जो नीड्स हैं, फूड रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए वो खेती करते हैं, ठीक है, कल्टीवेशन, कृषि करते हैं। तो कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए वो क्या करेंगे, पहले जो ज़्यादा उपजाऊ भूमि है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं बेस्ट वन, ठीक है, तो जो ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती है, जिसकी फर्टिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, वहाँ पर क्या करेगा, खेती की जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे प्रोडक्शन किया जाएगा। फिर क्या होता है, जैसे जैसे जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज होती जाएगी, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ में लोगों की जो फूड रिक्वायरमेंट्स है वो भी क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। और जब फूड रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती हैं तो फिर क्या होता है, जो कम उपजाऊ भूमि है, ठीक है, जिसकी फर्टिलिटी क्या है, थोड़ी कम है, लेस फर्टिलिटी पीस ऑफ लैंड जो है, उस पर भी क्या होगा, खेती किया, ठीक है, खेती की जाएगी, लेकिन जो लेबर और कैपिटल की जो क्वांटिटी, वो सब जगह क्या होती है, सेम लगाई जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है, ठीक है, जिसका कारण क्या है कि जो भूमि है, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, कुछ भूमि में जो फर्टिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा उपजाऊ होती है, और कुछ क्या होती है, कम उपजाऊ होती है, ठीक है, तो जो कम उपजाऊ होगी, जिसकी फर्टिलिटी लेस होगी, वहां पर प्रोडक्शन भी क्या होता है, कम होता है। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सुपीरियर ग्रेड ऑफ लैंड विल बी लेस देन द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द लेस फर्टिलिटी ग्रेड ऑफ लैंड, ठीक है। वो क्या बताते हैं कि जो अलग अलग भूमियां हैं, जैसे, ठीक है, हम कहें कि जैसे ए है, बी है, ठीक है, सी है, ये ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है, सी ग्रेड, ये अलग अलग लैंड है, ठीक है, ये एक तरह से क्या है, सबसे अच्छी है, ठीक है, सुपीरियर ग्रेड है, फिर उसके बाद में थोड़ी कम अच्छी है, और फिर उसके बाद में ये क्या है, सबसे कम अच्छी है, ठीक है। तो जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो किससे डिटर्मिन होती है, जो सबसे कम उपजाऊ भूमि है, ठीक है, जो सी ग्रेड भूमि है, उस पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पर होती है। अगर हम कहें कि यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है 100 यूनिट, यहाँ पर हो रहा है 80 यूनिट, यहाँ पर हो रहा है 50 यूनिट, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो एक तरह से जो लेस फर्टिलिटी वाली ग्रेड वाली जो भूमि है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में हमारी क्या है, सी जो लैंड है, ठीक है, वो एक तरह से क्या है, लेस फर्टिलिटी वाली भूमि है, ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है 50 यूनिट, वो एक तरह से क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, मतलब ए ग्रेड जो है उसको सी के कंपेरिजन में कितना प्रोडक्शन ज़्यादा मिल रहा है, 100 - 50 = 50, बी जो है उसको कितना मिल रहा है इसके कंपेरिजन ज़्यादा, 80 - 50 = 30, तो जो सबसे कम उपजाऊ भूमि है, जिसकी फर्टिलिटी सबसे कम है, उसके कंपेरिजन में दूसरी लैंड जो है उनको जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, उसे रिकार्डो क्या कहता है, रेंट कहता है, ठीक है। अब देखिए रेंट जो है उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं, अलग अलग उसका जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। तो रिकार्डो का मतलब, रिकार्डो क्या कहता है, रेंट जो है वो एक तरह से क्या हो गया, डिफरेंशियल सरप्लस हो गया है, ठीक है, जो ज़्यादा फर्टिलिटी वाली भूमि है उसको जो प्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है, लेस फर्टिलिटी वाली लैंड की कंपैरिजन में जितना भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसे रिकार्डो क्या कहता है, रेंट।
ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो इस चीज़ को हम आगे एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं रिकार्डो की जो थ्योरी है, अगर कल्टीवेशन कैसा है, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन फार्मिंग, ठीक है, रेंट इन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। तो सबसे पहले आप समझिए कि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब क्या हो गया, कि हम क्या करते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं, जो लैंड है उसकी भी यूनिट हम क्या करते हैं ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो लेबर है, जो कैपिटल है, वो सभी भूमियों पर क्या होगा, इक्वल क्वांटिटी में यूज़ की जाती है, ठीक है। हमारे पास में भूमि के अलग अलग टुकड़े हैं, लेकिन वहाँ पर लेबर और कैपिटल की जो क्वांटिटी अगर हम इक्वल यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन होता है, ठीक है। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन विस्तृत कृषि, ठीक है। विस्तृत कृषि का मतलब क्या हो गया, कि हम अलग अलग भूमियों पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं, ठीक है। और उन भूमियों में जो लैंड है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। डिफर किससे होती है, फर्टिलिटी से, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ ये ए लैंड है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ये चार प्रकार के हमारे पास में लैंड है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, ए बी सी डी। तो लोग क्या करते हैं इकोनॉमी में, सबसे पहले क्या करेंगे, वो यहाँ पे खेती करेंगे, ठीक है। कल्टीवेशन कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, अपनी नीड्स को, रिक्वायरमेंट जो भी है उसको पूरा करने के लिए, ए प्रकार की जो भूमि है, ठीक है, जो एक तरह से सुपीरियर ग्रेड की लैंड है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, इसकी फर्टिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, सबसे अच्छी ए की है। तो यहाँ पर वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, खेती करना प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर उसका जो प्रोडक्शन होता है, माना कि कितना होता है, 100 यूनिट्स होता है, ठीक है। इसकी हम मॉनेटरी वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन हम केवल उसकी यूनिट्स ही ले रहे हैं कि 100 यूनिट का प्रोडक्शन होता है। फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो फिर क्या होगा, हाँ, जो बी ग्रेड लैंड है उसका यूज़ किया जाएगा। मतलब अब जो कल्टीवेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट की जाएगी, बी पर। तो ए पर जो लेबर है, कैपिटल है, उसकी हम जितनी क्वांटिटी यूज़ कर रहे थे, उतनी ही क्वांटिटी बी पर, उतनी ही क्वांटिटी सी पर, उतनी ही क्वांटिटी डी पर यूज़ करते हैं, किसकी, लेबर और कैपिटल की, ठीक है। लेकिन ये जो अलग अलग लैंड है उनमें डिफरेंस जो है वो किस चीज़ का है, उनकी फर्टिलिटी का। ए जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है उसकी फर्टिलिटी, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। बी पर जो प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, 80 होता है। सी पर कितना होता है, 60 होता है। डी पर कितना होता है, 40 होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी फर्टिलिटी क्या है, अलग अलग है। तो अब रिकार्डो क्या कहता है, कि जो सबसे कम उपजाऊ भूमि है, ठीक है, जो हमारे से एग्जांपल में क्या है, डी प्रकार की जो भूमि है, ठीक है, उसको वो क्या कहता है, मार्जिनल लैंड, ठीक है। डी जो लैंड है वो कौन सी है, मार्जिनल लैंड है, ठीक है। और उससे पहले वाली ए बी सी एक तरह से क्या है, हमारी इंट्रा मार्जिनल लैंड है, ठीक है। ये अधिसीमांत भूमियाँ हैं और ये हैं सीमांत भूमि, ठीक है, इंट्रा मार्जिनल लैंड, ठीक है, और ये है हमारी मार्जिनल लैंड, ठीक है। जब हमने एजम्पशंस पढ़ी थी, ठीक है, उसकी मान्यताएं पढ़ी थी, तो हमने क्या पढ़ा था, कि जो मार्जिनल लैंड होती है, ठीक है, वहां पर कोई रेंट नहीं मिलता है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ आउटपुट जो है वो कैसे डिटरमाइन होती है, जो मार्जिनल लैंड है उसकी प्रोडक्शन पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 40, तो इसका मतलब 40 के कंपैरिजन में ए बी सी लैंड को जितना भी सरप्लस मिल रहा है प्रोडक्शन में, उसे ही रिकार्डो क्या कहता है, रैंक, ठीक है। तो इस 40 के कंपैरिजन में ए पर कितना सरप्लस है, 60, ठीक है, 100 माइनस हमने 40 कर दिया। फिर बी पर कितना है, ठीक है, सरप्लस कितना है, 80 माइनस 40 कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 40। सी जो लैंड है उस पर कितना सरप्लस हो रहा है, 60 माइनस 40 इक्वल टू 20। और डी जो है उस पर कितना है, 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, कि जो मार्जिनल लैंड है, ठीक है, हमारे एग्जांपल में अभी कितनी है, डी, तो यहाँ पर कोई भी लगान रेंट नहीं मिलता है, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है उसे रिकार्डो क्या कहता है, रेंट कहता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब एक्सटेंसिव कल्टीवेशन है तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रेंट को, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ इंट्रा मार्जिनल लैंड, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ इंट्रा मार्जिनल लैंड, ठीक है। जो अधिसीमांत भूमि है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी, उस पर कितना उत्पादन हो रहा है, माइनस, ठीक है, इसमें से हमको लेस करना है, क्या माइनस करेंगे, प्रोडक्टिविटी ऑफ मार्जिनल लैंड, ठीक है, जो मार्जिनल लैंड थी डी, ठीक है, वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको हम इंट्रा मार्जिनल लैंड के प्रोडक्शन में से माइनस कर देंगे, तो जो भी सरप्लस होगा हमारा उसे वो क्या कहता है,
रेंट, ठीक है, या हम कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ सुपीरियर यूनिट्स ऑफ लैंड, ठीक है, माइनस प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्फीरियर यूनिट्स ऑफ लैंड, ठीक है, जो डी है, जो मार्जिनल लैंड है, उसको क्या कहता है, इन्फीरियर लैंड कहता है, ठीक है, घटिया प्रकार की भूमि है, उसके कंपेरिजन में जो अच्छी हैं, सुपीरियर जो भूमियाँ हैं, वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, वो क्या होता है, लगान होता है, रेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल अभी देख लिया था, ठीक है, ये अलग अलग हमारे पास में लैंड थी ए बी सी डी, और ये हमारा प्रोडक्शन था, ठीक है, और ये जो 40 है उसके कंपैरिजन में जितना भी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है ए बी सी लैंड पर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, रेंट कहते हैं, ठीक है, लगान कहते हैं, और इसी चीज़ को हम इस डायग्राम से शो करते हैं, ठीक है। ए का जो प्रोडक्शन कितना है, 100 है, तो हमने 100 को ये बना दिया, बी पर कितना है, 80, तो ये हमने बी का बना दिया 80, सी पे कितना है, 60, तो ये हमने 60 पे बना दिया, और डी पर जो प्रोडक्शन है वो कितना है, 40, तो ये 40, तो 40 के कंपेरिजन ऊपर जो भी ज्यादा है वो सब क्या है, रेंट। सेकंड हमारा है रेंट इन इंटेंसिव कल्टीवेशन, ठीक है, रेंट इन इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब क्या हो गया, कि जब हम क्या करते हैं, लेबर और कैपिटल को लार्ज अमाउंट में यूज करते हैं सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है, उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास में ये जो लैंड है, ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं, लेबर और जो कैपिटल है उसकी यूनिट को बढ़ाते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन हम बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पहले तो हमने क्या किया था, एक्सटेंसिव में अलग अलग प्रकार की जो खेत भूमियाँ थी, ठीक है, ए बी सी ग्रेड, उन पर हमने लेबर और जो कैपिटल उसकी सेम यूनिट यूज़ की थी, लेकिन जो हम इंटेंसिव की बात करते हैं, ठीक है, तो इंटेंसिव कल्टीवेशन में क्या होता है, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर यूज्ड इन सेम पीस ऑफ लैंड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भूमि के एक ही टुकड़े पर हम क्या करते हैं, लेबर और कैपिटल की क्वांटिटी को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में ये भूमि है, ठीक है, ये भूमि का एक टुकड़ा है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेबर की, जैसे माना कि फर्स्ट यूनिट यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट यूनिट का यूज़ करने से प्रोडक्शन कितना होता है, माना कि 100 के इक्वल होता है, ठीक है, लेबर की हमने फर्स्ट यूनिट यूज़ की है तो प्रोडक्शन कितना हुआ, 100 का, ठीक है। हमारे पास में भूमि का जो टुकड़ा है उसको हम चेंज नहीं कर रहे, भूमि का टुकड़ा वही है ये वाली, ठीक है, इस पर हमने क्या किया, एक लेबर को यूज़ किया था, प्रोडक्शन कितना हुआ, 100 यूनिट, फिर हमने क्या किया, लेबर की जो यूनिट है उसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है, पहले से दूसरी, अब दो लेबर काम कर रहे हैं, तो अब दूसरा जो है उसका प्रोडक्शन कितना हो गया है, 80, तीसरा हमने लगाया था प्रोडक्शन कितना हुआ, तीसरे का कितना है, 60 है, चौथा हमने लगाया उसका प्रोडक्शन कितना है, 40 है, मतलब इस भूमि के टुकड़े पर हम लेबर की यूनिट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है, ठीक है, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है, जो उत्पादन क्या होता है, घटने लग जाता है, उसका जो नियम है, उसका जो सिद्धांत या थ्योरी है, वो यहाँ पे लागू होती है, और उस वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन हमारा कम होने लग जाता है, ठीक है। पहला जो लेबर था उसका कंट्रीब्यूशन कितना था प्रोडक्शन में, 100 के इक्वल, सेकंड हमने लगाया तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, केवल 80 है, तीसरा जो लेबर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 60 है, चौथे का जो योगदान है वो कितना है, 40 यूनिट है, ठीक है, इसका मतलब रिकार्डो जो ये फोर्थ यूनिट है जिसका प्रोडक्शन क्या है, सबसे कम है, उसको वो क्या कहता है, मार्जिनल डोज, ठीक है, और ऊपर वाले जो यूनिट है जहाँ पर क्या हो रहा है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उसको क्या कहता है, इंट्रा मार्जिनल डोजेस, ठीक है, अधिसीमांत इकाइयाँ, और ये हमारी है सीमांत इकाई। तो यहाँ पर हम रेंट जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो रेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ इरिजना इंट्रा मार्जिनल यूनिट ऑफ लेबर, या प्रोडक्टिविटी ऑफ इरिजना इंट्रा मार्जिनल डोजेस माइनस प्रोडक्टिविटी ऑफ मार्जिनल डोज, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ मार्जिनल यूनिट ऑफ लेबर भी हम कह सकते हैं, ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, रेंट, और इसको हम डायग्राम में अगर शो करना चाहें तो पहले यूनिट जो इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, 100, सेकंड का कितना था, 80, थर्ड का कितना था, 60, और फोर्थ का कितना था, 40, ठीक है, फिर हमने मिला दिया, ठीक है, तो ये जो हमारा रेंट है वो किस में शो करता है, इंटेंसिव कल्टीवेशन, क्लियर हो गया यहाँ पे। थर्ड हमारा है रेंट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और सिचुएशन ऑफ लैंड, ठीक है, भूमि की जो स्थिति है उसमें अंतर के कारण भी लगान मिल सकता है, ठीक है, जैसे हमारे पास में तीन भूमियाँ हैं, तीन लैंड हैं ए बी सी,
ए भूमि जो है वो मेन मार्केट से सिटी से कितने डिस्टेंस पे है, 50 किलोमीटर। बी जो भूमि है वो 40 किलोमीटर है, और सी जो है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर। ठीक है, मेन मार्केट या मंडी हम कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ से उसकी डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर है ए की, बी की कितनी है, 40 किलोमीटर है, और सी की कितनी है, 30 किलोमीटर। तो रिकार्डो क्या कहता है कि जो भूमिया मेन सिटी, ठीक है, उसके पास में होती हैं, तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वो एक तरह से क्या होती हैं, कम होती हैं। जो भूमि पास में होगी वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है, कम, और जो दूर होगी उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जो सबसे दूर भूमि स्थित है उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसके कंपेरिजन में दूसरी भूमियों को जो भी सेविंग्स हो रही है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, रेंट। ठीक है, अब जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कितनी है, ₹10 पर किलोमीटर। ठीक है, प्रति किलोमीटर का खर्चा कितना है ट्रांसपोर्टेशन का, ₹10। तो जो 50 किलोमीटर दूर भूमि है उसका खर्चा कितना आएगा, 50 × 10 = ₹500। जो 40 किलोमीटर है तो 40 × 10 तो ₹400, और 30 × 10 करेंगे तो 300। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे ज़्यादा किसकी है, ए लैंड की है, और कम किसकी है, बी और सी की। तो ए के कंपेरिजन में इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जितनी भी कम है, वही क्या है, इनके लिए रेंट है। ठीक है, तो ए के लिए रेंट कुछ भी नहीं होगा, बी के लिए रेंट कितना होगा, 500 − 400 = 200, और सी के लिए कितना होगा, 500 − 300 = 200। क्लियर हो गया है तक? तो इसको हम कहते हैं रेंट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, या सिचुएशन के बेसिस पर भी लगान मिल सकता है, रेंट मिल सकता है। अब इसके हम फीचर्स देखते हैं। ठीक है, हमने जो सिद्धांत पढ़ा है, जो थ्योरी पढ़ी है, उससे हम कौन कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज, विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेंट इज ए डिफरेंशियल रिटर्न्स। ठीक है, डिफरेंशियल सरप्लस होती हैं, जो ज़्यादा उपजाऊ भूमि है और कम उपजाऊ भूमि है उनमें जो प्रोडक्शन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, रेंट इज अर्न अर्न इनकम। ठीक है, वो क्या कहता है रिकॉर्डो कि रेंट जो एक तरह से क्या है, अर्न अर्न इनकम है। मतलब अर्न अर्न इनकम का मतलब क्या हो गया कि जो किस कारण से मिल रही है, क्योंकि जो भूमि है, ठीक है, उसकी जो फर्टिलिटी है उसमें डिफरेंस है, इस कारण से रेंट मिलता है। ठीक है, रिकॉर्डो क्या कहता है, रेंट क्यों मिलता है, मतलब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लोग वहाँ पे मेहनत करते हैं उसके बदले में नहीं मिल रहा है, क्यों मिलता है, क्योंकि जो भूमि है उसकी जो फर्टिलिटी है उसमें डिफरेंस होता है, इसलिए रेंट मिलता है। फिर नेट नेक्स्ट है, रेंट डज नॉट एंटर इनटू प्राइस। ठीक है, रिकॉर्डो क्या कहता है कि जो रेंट है वो प्राइस में एंटर नहीं होता है। फिर रेंट इज ए फैक्टर इनकम ऑफ लैंड। ठीक है, रेंट किसको मिलता है, लैंड को मिलता है। फिर रेंट अराइजेस बोथ इन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। ठीक है, रेंट जो है दोनों कृषि में मिल सकता है। ठीक है, इंटेंसिव कल्टीवेशन में भी मिल सकता है और एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में भी मिलता है। और फिर रेंट इज ड्यू टू रिगार्डलेस ऑफ नेचर, मतलब जो नेचर है, प्रकृति है, ठीक है, उसमें एक तरह से क्या गुण पाया जाता है, कंजूसी का गुण पाया जाता है, उस कारण से लगान मिलता है। ठीक है, यहां पर निगार्डलेस का मतलब क्या हो गया, कंजूसी का मतलब क्या हो गया कि जो भूमि है, जो उपजाऊ भूमियाँ होती है, ठीक है, जो सुपीरियर लैंड होती है, वो एक तरह से क्या होती हैं, कम पाई जाती हैं। ठीक है, उनकी जो सप्लाई है वो एक तरह से क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, फिक्स होती हैं, स्थिर होती हैं। और फिर रेंट इज ड्यू टू द ओरिजिनल एंड इंडेस्ट्रिक्टिबल पावर ऑफ द सोइल। ठीक है, भूमि में एक तरह से क्या होता है, ओरिजिनल और इंडेस्ट्रिक्टिबल पावर होता है। ठीक है, भूमि में मौलिक और अविनाशी शक्तियाँ होती हैं, उसके बदले में रेंट मिलता है। ठीक है, ऐसा कौन मानता है, रिकार्डो। अब देखिए इसकी क्रिटिसिज्म है। ठीक है, इसकी जो आलोचना की गई है, तो फर्स्ट आलोचना क्या है, लैंड हैज अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, रिकॉर्डो ने क्या बताया कि जो लैंड है, भूमि है, उसका केवल एक ही काम होता है, कल्टीवेशन। ठीक है, जबकि रियल लाइफ में अगर हम देखते हैं तो भूमि जो है, लैंड है, उसका हम बहुत सारे कामों में यूज कर सकते हैं। उसके यूजेस क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। मतलब जैसे हम उसका प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं, मकान बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम कोई प्लांट जो है उसको हम स्थापित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है, द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन फर्टिलिटी। ठीक है, उसने क्या बताया कि जो प्रोडक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, केवल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जबकि बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है लैंड डज नॉट पोसेस एनी ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रिक्टिबल पावर। ठीक है, लोग क्या मतलब जो इसकी क्रिटिसिज्म करने वाले इकोनॉमिस्ट है वो क्या कहते हैं कि भूमि में इस प्रकार की कोई जो मौलिक और अविनाशी जो शक्तियां हैं पावर है वो नहीं होता है। फिर इसने क्या एज्यूम किया था कि जो मार्जिनल लैंड है ठीक है उसको कोई रेंट नहीं मिलता है। ठीक है, नो रेंट लैंड इज अनरियलिस्टिक। ठीक है, वास्तव में क्या होता है जो सभी भूमियां हैं उनको थोड़ा बहुत तो रेंट मिलता ही है। ठीक है, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो कहते हैं। फिर मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, रेंट एरेजेस इन रिटर्न टू एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, रिकार्डो ने क्या बताया कि जो रेंट है वो किसको मिलता है, केवल लैंड को मिलता है। ठीक है, जबकि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है जो आधुनिक अर्थशास्त्री वो क्या कहते हैं, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उत्पादन के सभी साधनों को रेंट मिल सकता है। फिर ऑर्डर ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज नॉट रियलिस्टिक। ठीक है, उन्होंने जो कल्टीवेशन का जो ऑर्डर बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर वो एक तरह से सही नहीं है। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स थे वो क्या कहते हैं कि लोगों के पास में जो लैंड अवेलेबल होते हैं उस पर वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, जबकि रिकार्डो ने क्या बताया कि जो ज़्यादा फर्टिलिटी जो सुपीरियर लैंड है उस पर पहले कल्टीवेशन होता है, खेती पहले होती है, उसके बाद में कम उपजाऊ भूमि पर होती है। ठीक है, लेकिन ये नॉन रियलिस्टिक है। फिर रेंट एंटर्स इनटू प्राइस। ठीक है, आधुनिक जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो क्या कहते हैं कि जो रेंट है वो प्राइस में इंक्लूड हो जाता है। और फिर रॉन्ग एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन की जो एजम्पशंस हैं ठीक है वो रियल लाइफ में नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके क्रिटिसिज्म हैं।